आज ट्रिप का पहला दिन है और हम जा रहे हैं बिहार में नालंदा जिला घूमने के लिए, जहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी है। और इस पूरे ग्रुप को जो लीड कर रहे हैं वो हमारे सामने बैठे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर मनुराज सर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रेशमी मैम। इस ट्रिप में हमारे साथ रिसर्च स्कॉलर सुरभि मैम, सुष्मिता मैम, नंदन सर और अभिषेक सर भी हैं, जो हमारे साथ चल पड़े हैं घूमने के लिए। और हम लोग ट्रिप के पहले दिन पहुँच चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, जो अपने ऐतिहासिक इमारतों के लिए विश्व प्रसिद्ध थी और अभी भी ये विश्व प्रसिद्ध हैं। लोग यहाँ दूर दूर से, विदेशों से भी घूमने के लिए आते हैं, इसके अवशेष देखने आते हैं, जो एक समय में बहुत ही प्रसिद्ध था। ये वही जगह है जहाँ ह्वेनसांग पढ़ने के लिए आते थे और यहाँ पे पढ़ाते भी थे। हेलो एवरीवन, और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं नालंदा यूनिवर्सिटी और ये है यहाँ का टिकट। 35 रुपये एंट्री टिकट है और 5 रुपये भी एक्स्ट्रा लगता है, टोटल 40 रुपये लग जाता है इस पूरे एरिया को घूमने में। तो ये रहा नालंदा यूनिवर्सिटी, जो ऐतिहासिक पौराणिक है और इतिहासों में पढ़ते आए हैं, आज सामने से देखने को मिलेगा। और ये है हमारा पूरा ग्रुप जो वेट कर रहे हैं, सारा एक जगह इकट्ठा होंगे, फिर साथ में चलेंगे आगे। हमारे सर अनुराज सर जो पीछे हैं, मैम भी हमारे पीछे ही हैं, आ रही हैं। और अब सब आगे बढ़ रहे हैं, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। ये सारा ग्रुप मेरा बहुत ही उत्साहित है यहाँ पहुँच कर। अब हम मुख्य द्वार से ऐतिहासिक नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर आ चुके हैं और इसकी जो कुछ कहानियां हैं, ऐतिहासिक बातें हैं, वो यहाँ के गाइड के द्वारा हम जानेंगे। सर ने एक गाइड लिया है, आइए जानते हैं गाइड के द्वारा क्या बताया जा रहा है। परंतु उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि गाइड के द्वारा ये बात मुझे बताया गया कि ये वीडियो आप मेरा पूरा वीडियो अपलोड ना करें, तो मैं इनका पूरा वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि कुछ बातें होती हैं जो जरूरी होती है इनके लिए भी। में बख्तियार खिली ने इसे जलाया, नष्ट किया, उसके बाद भूकंप से ज्योग्राफिक टर्म से मिट्टी से ढक गया, इसके ऊपर खेती हो रही थी। ह्वेनसांग 7वीं शताब्दी में आए थे, वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का काम किया, उनकी डायरी का नाम था सी यू की, अर्थात भारत यात्रा वृतांत। उसे अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर एक कलिंगम ने इसकी खुदाई की। 1900 अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नजक। रत्नसागर पुस्तकालय 9 मंजिले थे, 9 करोड़ पुस्तकें थी, पुस्तक कॉपर प्रेस। नालंदा को जलाया, नालंदा 6 माह तक जलता रहा, जलने का प्रमाण नालंदा की दीवारों पर है, मैं गाइड आपको दिखलाऊंगा। तथा यहाँ के स्टोर रूम से जले चावल म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है। सोचो मुन्ना, जहाँ का गेट कीपर आदेशपाल ही स्कॉलर हो, आचार्य का फिर क्या कहना, आचार्य पंडित सिंहभद्र, नागार्जुन, धर्मपाल, अंतरिक्ष से शांति, चूना सुर की बालू, उड़द के दाल, बेल के पेस्ट से दीवार लगे हैं। ये है पाक्षी कुमार गुप्त का और 7वीं हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल का। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने पर जब पढ़ाते थे लड़के यहाँ। उस समय में बाद विवाद डिबेट से शिक्षा गुरुकुल पढ़ता था, गुरु से साथ में जब ये लेयर बन गया, यहाँ लड़के बैठकर पढ़ते थे, आचार्य वहाँ से पढ़ाते थे। 5वीं 7वीं 9वीं में जब ये बन गया तो यहाँ आने के लिए आगे से सीढ़ी स्टेज था।